بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. अल्लाह की फजल व नेमत से हम लोग ग़ज़वे खंदक के मकाम पर हमारी गुफ्तगू चल रही है, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अहम बाब है। ग़ज़वे खंदक हिजरत के यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने के 5वें साल पेश हुई यानी वाक़े हुई, और महीना शव्वाल का था, लिहाजा सन 5 हिजरी कहा जाता है। इसका खुलासा हमने पहले भी मतलब काफ़ी तफसील से हम सुनते आ रहे हैं, इसको बार बार दोहरा देते हैं ताकि एक उसका इजमाली खाका जहन में मौजूद रहे। वो बदर में कुरैश को ख़तरनाक शिकस्त हुई, उसके बाद मदीने से बनु कैनुका को उनकी अपनी हरकत की वजह से और खिलाफ उसूल और अहद शिकनी का भी एक हिस्सा उसमें शामिल था, और उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की जिसकी बुनियाद पर उनको मदीने से निकाला गया। उसके बाद उहद पेश आई जिसमें मुसलमानों की यानी वो तादाद जो तकरीबन कम उबेश उससे कुछ ज्यादा कम जो बदर में कुफारे मक्का शहीद हुए मारे गए थे उसके बकदर अहले ईमान शहीद हुए। फिर उसके बाद छोटे छोटे सराया और मुहिमें जारी रहीं। उन्हीं में से एक मुहिम के नतीजे में ग़ज़वे गनी नज़ीर का वाक़या पेश आया और बनु नज़ीर को मदीने से निकाला गया। बनु नज़ीर को मदीने से निकाला गया, उधर कुफारे कुरैश को भी मुख्तलिफ बार बार अपनी शिकस्त और अपने इरादे की नाकामी की वजह से उनके अंदर वो मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम का की आग भड़की हुई थी जो बुझ नहीं पा रही थी। लिहाजा बनु नज़ीर जिनको मदीने से निकाला गया था सन 4 हिजरी में, तकरीबन 5-6 महीने के अंदर ये वाक़या पेश आ गया खंदक का, तो 6 महीने से भी ज्यादा। तो बनु नज़ीर ने इकट्ठा किया, खुद भी तैयार हुए और अपने साथ कबाइल अरब को तकरीबन जमा कर लिया। उसमें मेजर जो पार्टी थी और जो दुश्मन ताकत थी वो बनु नज़ीर हैं और कुरैश हैं और गतफान और ये 2-4 कबीले बनु जहरा, ये सब कबीले थे। ये सब आके इकट्ठा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये एक मुत्तहिदा चढ़ाई का इरादा कर रहे हैं ये लोग, लिहाजा मशवरा हुआ और मशवरे में खंदक की बात आई, खंदक का मशवरा पे इत्तेफाक हुआ और खंदक खोदने का काम सिलसिला शुरू हुआ और खंदक खोदी गई। और खंदक खोदने में बहुत सारे वाकयात मौजूदाती पेश आए, वो सब वाकयात हम लोग तफसील से सुन चुके हैं। लिहाजा अब इसमें जो बातें हैं वो सब जहन में रखते जाइए कि मुत्तहिदा अफवाज मदीने की तरफ पहुंच रही हैं और इधर खंदक की खुदाई का सिलसिला जारी है, और खंदक मुकम्मल होती है और बस उसके दूसरे तीसरे दिन मदीने के ऊपर तमाम अफवाज मदीने के करीब आकर वो पड़ाव डालती है। मदीने में मुसलमानों की हालत बहुत तंग से तंग तर है, खाने पीने की भी मसाइल बहुत तंगी से गुजर रहे हैं, और अफवाज का मामला यह है कि मुत्तहिदा तकरीबन तमाम जो नुमाया कबीले थे जो लीडिंग ट्राइब्स थे वो सब के सब जो इर्द गिर्द के मतलब 200 400 500 किलोमीटर दूरी तक के उससे भी बल्कि ज्यादा दूरी तक के जो कबाइल थे वो सब के सब आके इकट्ठा हो गए, यानी पूरा ये कह लें आप कि सारा अरब तकरीबन जमा हो गया था उस खित्ते का जो अरब था। और जो लोग नहीं शरीक हुए थे तो बहरहाल वो उनकी उनमें से अक्सर की हमदर्दी इनके साथ थी, लिहाजा एक तरफ ये दूसरी तरफ अपनी हालत ये सब हालात हम लोग सुन चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये हिसार तकरीबन 20 दिन के आसपास रहा,
और जब ये मक्के वाले पहुंचे हैं यहाँ, मुत्तहिद अफवाज जब पहुंची हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो एक अजीब इन्होंने जंगी हिकमत इस्तेमाल की है, जिसने हमारे हमारे पूरे प्लान को बिल्कुल नाकाम कर दिया। लिहाजा वो एक परेशानी, अब ये करें तो क्या करें। इस बीच में एक आध मरतबा दो चार पांच, पांच कमोबेश चार या पांच थे वो, उन्होंने कोई तंग वो खित्ता खंदक का जो जिसका जिसका एरिया छोटा था, वो छलांग लगा के इस तरफ आ गए, और उसमें उनका बहादुर मशहूर तरीन बहादुर अमर इब्न अब्दुद था, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों वो मारा गया, और बाकी थे वो दोबारा खंदक छलांग के वो वापस भाग गए। लिहाजा ये एक वाकया पेश आया। इसके बाद उनकी मुस्तकिल कोशिश जारी है कि हमने जो इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके इतनी बड़ी ताकत जमा की है, ये बड़ी ताकत है, इत्तेहादी अफवाज को हर मौके पर जमा करना आसान नहीं होता है, लिहाजा हम यूं ही नाकाम कैसे वापस चले जाएं, लिहाजा उसकी कोशिश में लगे हुए थे। अब उसके बाद जनाब दोबारा को एक हिकमत, दोबारा दो चार दिनों के पास, दो चार दिनों के बाद वो एक खंदक के किनारे आया कि उन्होंने तीरबाजी करना, तीरबाजी शुरू की। लिहाजा वो तीरबाजी का सिलसिला रहा, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज रिवायतों में दो, बाज रिवायतों में चार, और अक्सर सहाबा की जो नमाजें छूट गई, वो चूंकि मुस्तकिल ऐसा सिलसिला था हमले का कि उस हमले का दिफा करना था और उस हमले के महाज में मौजूद रहना था, और उसकी वजह से पूरी तवज्जो दुश्मन के हरकत और उनकी सरगर्मियों की तरफ मबजूल रखनी थी, इस वजह से वो नमाजों का मामला आगे पीछे हो गया। लिहाजा वो एक सूरत हाल हुई, उसमें भी उनको नाकामी हुई। उसी मौके पर हजरत साद इब्ने मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे में एक जख्म लगा, और वो जख्म बहुत गहरा हो गया, और वो जख्म उसी जख्म वही जख्म उनके इस दुनिया से जाने का एक सबब बना। उसकी तफसील हम लोग फिर आगे सुनेंगे। लिहाजा चूंकि उस जख्म का एक बहुत वो जख्म हजरत साद इब्ने मुआज़ और बनू कुरैज़ा के अंदर उसका तज़किरा आएगा, लिहाजा वो लिखा जाता है अक्सर सीरत की किताबों में। तो ये सूरत हाल हो गई। अब जब ये देख रहे हैं कि हम इधर से सब तरफ से नाकाम हो रहे हैं, और मुसलमानों के लिए भी बड़ी तंग सूरत हाल थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने खंदक देखी और वो आराम से बैठ गए, और यहाँ मुसलमान हमारे अहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उस नजाकत को पूरे तौर पर महसूस कर रहे हैं कि उनके सीने पे सांप लौट रहा था कि हमने इतनी मुश्किल से ये मुत्तहिदा फौज जमा की है, और इसको हम आसान ना समझे, हम तो किताबों में पढ़ के बड़ी आसानी से चले जाते हैं। उनको आप उन हालात में तस्वीर करें जिन हालात में हम आज जी रहे हैं, और जिन हालात में हमारे लिए खतरात का घेरा जब तंग कर दिया जाए, और हमारे लिए जीना और हमारे ऊपर हमले के तमाम असबाब इख्तियार किए जाएं, और उन हालात में हम क्या महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ महसूस कर हमें करना चाहिए। लिहाजा अब जनाब इन्होंने देखा कि एक अब किया क्या जाए, हम तो दो तरफ उनके पहाड़ है, पीछे की तरफ से हम दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उधर खजूर के बागात हैं, और जो मैदानी इलाका जिस तरफ से मदीने के अंदर हमला करने का मौका था, उन्होंने वहां खंदक खोद दी, और वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बीच का इलाका था, या पूरा एक नदी के जैसी खुदी हुई है जिसमें किसी घोड़े के लिए भी आसान नहीं कि वो उसको छलांग जाए। अब ये सूरत हाल, अब करें तो क्या करें। तो अब वही हुयई इब्ने अख्तब जो सारे कबाइल को जमा करने की मुहिम पर रवाना हुआ था, और उसने तमाम कबाइल को इकट्ठा करके मदीने के ऊपर चढ़ाई कर दी, वही हुयई इब्ने अख्तब रात के वक्त तन्हाई में जाकर बनु कुरैज़ा के पास जाता है, और काब इब्ने असद अल खुरजी के पास जाके उसको तैयार करता है। वो बंदा बिल्कुल तैयार नहीं होता है, आखिर लम्हे तक तैयार नहीं होता है, लेकिन आखिर उसको किसी तरह मजबूर करके और उसको समझा के पट्टी पढ़ा के वो उससे उसको तैयार कर लेता है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और इस मामला के खत्म होने के बाद भी हम तुम्हारे साथ आएंगे, लिहाजा तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम मदीने में अंदर से हमला करो। लिहाजा उसने अंदर से हमला करने के लिए उनको तैयार कर लिया। अब हुआ ये कि जनाब इन्होंने यहूदियों की तरफ से ये बात आ गई कि बनू कुरैज़ा की तरफ से कि इन्होंने अहद तोड़ दिया। यहूदियों के अहद तोड़ने की मिसाल और उनकी ये खसलत और उनकी ये आदत हमेशा की, और याद रखें कुरान ने उनकी जिस खराबी और जिस बुराई को बार बार बयान किया है वो है फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर
हजरत ईसा अलैहि सलाम तक अंबिया का जो लगा एक तसलसल था, उस पूरे तसलसल में और उस पूरे तारीख में अंबिया का जो सिलसिला जुड़ा रहा, उसमें उनको हर नबी के जरिए, हजरत ईसा अलैहि सलाम के जरिए और हजरत ईसा अलैहि सलाम से पिछले तमाम अंबिया के जरिए, उनको ये खराबी उनको बार बार बताई गई कि जब कोई अहद किया जाए, जब कोई मुआहदा किया जाए तो उसको तोड़ा मत करो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, सूरह मायदा मदीने में उतरी है, मदनी सूरत है, और सबसे ज्यादा यहूद की तहरीफ और उनके कानून के साथ मजाक और शरीयत के साथ ज्यादती और शरीयत के अहकाम के साथ तोड़फोड़ और जो तोड़ मरोड़ करने की जो खसलत है उनकी, वो सूरह मायदा में बहुत तफसील से जिक्र है। लिहाजा सूरह मायदा में भी अल्लाह ने फरमाया फबिमा नक़्दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, उनके अहद तोड़ने की वजह से हमने उनके ऊपर लानत की। यही आयतें सूरह निसा में भी हैं, जो मायदा से चंद सफात पहले भी ये लफ्ज गुजरा, ये बार बार गुजर रहे हैं, अहद तोड़ने की वजह से, अहद शिकनी इन तमाम। और चार ईसा अलैहि सलाम तक तो उनके बनी इसराइल को और यहूद को खास तौर से ये बात बताई जा रही है और कुरान में भी बार बार उतर रही है, और बार बार अपने इस ऐब के ऐलान के बावजूद भी वही हरकत कर रहे, लिहाजा तोड़ दिया इन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो ऐसे ही चारों तरफ से घिरे हुए थे, फौज की एक इतनी बड़ी तादाद थी, लिहाजा आप सल्लम को जब पता चला तो आप दोनों साहबी को भेजा, और दोनों साहबा को भेजने के बाद साद इब्ने मुआज वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर उन्होंने तो है तोड़ दिया, जो बात हुई थी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इन हालात में आप देखें कुरान क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदल लम तरौहा وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم, बाहर से भी फौजें आ गई और अंदर वाली जो तुम्हारे साथ थी उसने भी तुम्हारा सोच छोड़ दिया, तो अंदर से भी तुम्हारे लिए आफत आ गई और अंदर से भी तुम्हारे लिए मामला तंग हो गया। وبلغت القلوب الحناجر, हर तरफ से तुम घिर गए। मैं ये तमहीद क्यों बांध रहा हूँ, बार बार मैं तमहीद क्यों बांध रहा हूँ, उस नुक्ते के तरफ हम अपने तमाम लोग अपना जहन ले जाए और उस हिकमत को जानने की कोशिश करें और वो गाइडलाइन मालूम करने की कोशिश करें जिससे जबरदस्त किस्म की अकवाम के साथ भी अगर हमारा मुकाबला हो जाए और सामना हो जाए तो हमारे लिए क्या क्या रहनुमाइयां हैं और हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह की तरफ से नुसरत की कैफियतें क्या क्या होती हैं, उस हकीकत और उस रूह को मालूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वो अल्लाह के रसूल, और मैंने पहले भी कहा था कि देखें आप खास तौर से ग़ज़वे अहज़ाब वो आयत लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो आयत ग़ज़वे खंदक के तज़किरे के बीच में उसको नसब किया गया है, उसको उस बीच में रखा गया है, उस आयत का नज़ूल वहां पे है। लिहाजा ये गौर करने की बात है कि दुनिया में मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को जब दुनिया में क़यादत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लाया हुआ पैगाम है उस पैगाम पर कायम रहना और उस पैगाम को फैलाना और उस पैगाम को समझाने की मुहिम पर जब तुम रहोगे तो जो तुम्हारे साथ हालात आएंगे तो उन हालात में तुम्हें इकदाम क्या करना है और करना क्या है और अपना अपने नजरिए के लिए तसल्ली कहाँ से तुमको मिलेगी, वो सब कुछ नबी की सीरत में है। और तुम नबी की सीरत के वाकयात को पढ़ो, हमने उसको कुरान में भी महफूज कर दिया है। ग़ज़वे खंदक का किस्सा अब गौर करने की बात है। हम आप सब जानते हैं कि कुरान करीम लौहे महफूज में जू का तू महफूज था ये उतरा है। कुरान करीम आप सल्लम की सीरत के, आप सल्लम की नबूवत के बाद ये तसनीफ नहीं किया गया है, ये अल्लाह की तरफ से इसको मुरतब नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह ने इसको दुनिया बनने से पहले से मुरतब है। तो पता क्या चला कि जो कुछ वाकयात पेश आने थे वो सब कुछ कुरान में वाकया होने से पहले मजकूर है। तो मजकूर है जो वाकया पेश आएगा वो सब में हमारे लिए, तो कुरान करीम में लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वाली आयत इस वाकये के पेश आने से पहले, आप सल्लम के नबी बनने से पहले ही वो उस जगह पर है। किस जगह पर है, जहां पर आज हम पढ़ रहे हैं कि अहजाब अहजाब आगे पीछे दोनों तरफ आयतों में अहज़ाब का जिक्र है और बीच में अल्लाह फरमा रहे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम अपने मसाइल की अपने अपने अपनी सियासी परेशानी
और अपनी सियासी पस्ती का इलाज ढूंढने जा रहे हैं वो लोग जो धोखे की सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो जुल्म की सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो इंसानियत की दुश्मनी की सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो शहवत और वो लोग जो अपने आखिरत को भूल कर इस दुनिया की मस्ती में मगन रहने वाली सियासत कर रहे हैं, हम अपनी सियासी मसाइल का हल उन सूरमाओं के पास ढूंढने जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारी सियासत का हल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रखा है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने इससे पहले भी इस मौके पर बहुत जोर दिया था इस आयत के जाए वकूफ पर भी, कुरान में कौन सी बात कहाँ रखी है उसको बहुत गौर से देखना चाहिए। लिहाजा मैं अक्सर बहुत सारी बातों को जिक्र करने में इसका तवज्जो अपनी ले जाता हूँ। लिहाजा आयातुल इन्फाक जो है अल्लाह ने उसको शुरू किया सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया। यहाँ से आयात इन्फाक का समझिए एक पेश लफ्ज है। यहाँ उस आयत के फौरन बाद कुरान की सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ईमानियत की बात आई है उसके बाद लगातार इन्फाक का तस्किरा चल रहा है अलग अलग मिसालों से अहकाम के जरिए मुख्तलिफ लहजे में मुख्तलिफ उसलूब में मुस्तकिल इन्फाक का निजाम का तस्किरा चल रहा है। उस इन्फाक के निजाम को खत्म किया है कि दो बातें हैं जिसकी वजह से आप इन्फाक में आपको कमजोरी आती है या आपका दिल तैयार नहीं होता है। उसमें इन्फाक के लिए सबसे ज्यादा जो मानअ चीज है वो है रिबा। इन्फाक के साथ रिबा का कितना रिश्ता है। रिबा तभी आता है जब तुम इन्फाक नहीं करोगे। क्यों? तुम्हें रिबा का मतलब क्या है? तुम इन्फाक करना नहीं चाह रहे हो, साफ साफ बात है। तुम पैसे दे के पैसे लेना चाह रहे हो, पैसे के बदले में तुम पैसा कमाना चाह रहे हो, तो यही तो माने हो गया इन्फाक का। इन्फाक करो, इन्फाक के बदले में अल्लाह के नाम पर खर्च करने पर जो सवाब मिलने वाला है तुम कितने ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम एक के बदले दस, दस के बदले सौ, सत्तर, सत्तर के बदले सात सौ तक। अल्लाह ने सब आसना मेरे फिकुल सुबले मियाँ तो हब्बा, सात सौ गुना कहीं दुनिया में, किसी दुनिया की तारीख में कहीं 700 टाइम एक्स्ट्रा, कहीं परसेंट नहीं, 700 टाइम एक्स्ट्रा कहीं कोई चांस है दुनिया में किसी आमदनी किसी कारोबार का? उस पूरी आयतों के बाद रेबा को बीच में जब्त नसब रेबा वहां पर की आयतें आई और उसको उसकी खराबी बयान की गई। फिर फरमाया अगर इन्फाक से रेबा को तुम करते हो वो तो हराम है, कितनी खराब चीज है। फिर अगर तुमको अपने पैसे में तुम पैसे एक वापस लेना चाहते हो तो कम से कम इतना काम करो कि कर्ज दे दो। रेबा को छोड़ो, और रिबा हराम है और कर्ज की तरजीब दी गई और उसके उसूल बताए गए कि कर्ज देने में, बहरहाल हदीस में है कि एक बंदा किसी को कर्ज देता है जो जितने दिन कर्ज उसके पास रहता है उतने दिन उसको उसका सवाब मिलता है, सदके का सवाब मिलता है। इसके बाद उन आयतों को खत्म किया है। फिर कुरान की दो अजीम तरीन आयतें हैं जिसके बारे में बहुत फजीलतें आई हैं, वो है आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। तो गौर करने की बात है कि माल के ताल्लुक से इन्फाक करने के लिए ईमान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। लिहाजा ईमानियत की बात आई आयतुल कुर्सी और ला इकराह फिद्दीन और अल्लाह वलीउल लजीन और लजीना और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बात, फिर इन्फाक को समझाया तो पता चला ईमान और इन्फाक का रिश्ता बहुत मजबूत है। लिहाजा आयतुल बिर में भी वही सूरत है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक वल-मग़रिब वलकिन्नल बिर्र من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ایمان وآت المال على حبه انفاق। لہذا ایمان اور انفاق کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ ایمان مضبوط ہونے کے بعد سب سے پہلے جو اندر انسان کے اندر کیفیت اور جو ذوق اور جو شوق اور جو جذبہ پیدا ہوگا وہ ہوگا انفاق کا۔ اس کے بعد اللہ نے ان آیتوں کو ختم کیا آمن الرسول بما انزل الیہ، अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानियात का खजाना है यह। फिर अल्लाह ने फरमाया उसी ईमानियात का दूसरा खजाना यह है आमन अर-रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। तो जाए वुकू से किसी मौजू की अहमियत और उसकी फजीलत और उसकी अल्लाह के नजदीक महबूबियत का अंदाजा लगता है। इसी तरह लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारी सियासत को सुधारने के लिए,
हमारी सियासत को मजबूत करने के लिए जो तफासिल जानना है उसके लिए बहुत बड़ी जो हमारे लिए रहनुमाई की जो का जो खजाना है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। लिहाजा ग़ज़वा खंदक में गौर करें। हम अभी कुछ जमाने से हमारा जो जमाना है एक मुद्दत से हम ग़ज़वा खंदक के हालात के साथ बहुत मुताबिकत रखते हैं, और ये ऐसा नहीं कि ये जमाना, इससे पहले बार बार ये हालात गुजर चुकी होंगी। क्यों कि अल्लाह के रसूल जो जिंदगी के हवाल हैं वो ऐसा नहीं कि एक बार आके खत्म हो जाते हैं, उसकी शक्लें बदलेंगी और उसका 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 जाहिर बदलेगा, लेकिन जो उसका उसका जो बातिन है और जो उसकी रूह है और जो उसका उसकी असल असबाब वजूहात हैं वो तकरीबन सब सेम होते हैं। लिहाजा अल्लाह वो उन्होंने जब अहद तोड़ दिए फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम, तो उनका अहद तोड़ना बहुत आम बात है। तो अहद तोड़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहद तोड़ देने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कि अब तो खुशखबरी कबूल करो क्योंकि अब तो फतह नुसरत बिल्कुल आ गई। लिहाजा अबशरू बिल्लाही अल-फतह वन-नस्र, अबशरू बिफतहिल्लाही वन-नस्री, अल्लाह के फतह और नसर की अब खुशखबरी कबूल करो। ये बातें आप पूरा मैंने खुलासा बयान किया था, उसको तफसील को मुकर्रर भी कर दिया ताकि जहन में वो पूरा खाका बैठा रहे। तो तमाम मुत्तहिद अफवाज का जमा होना वगैरह 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 ये सब। अब इन्होंने ये कोशिश कर ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दो कबाइल के साथ एक तिहाई खजूर के ऊपर बात भी कर ली, तो हजरत सादाई ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी किसी मुआवजे पर हमको उनकी तरफ से अमन नहीं चाहिए, हम अपनी ताकत और अपने मुकाबले के जरिए हम अमन का माहौल बनाएंगे और हमें कुछ देकर उनका एहसान नहीं चाहिए। ये सूरत हाल हो गई। अब जाहिर सी बात है उनके अपने कमजोरी के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात यह समझता हूं कि उनको उसी वक्त कमजोरी का एहसास हो गया जब उन्होंने बनु कुरैजा से जाके भीख मांगी थी। अब देखें आप, सारी ताकतें उनकी एक तरफ, हम जो असबाब से डरते हैं, इतना तफसील से ला रहा हूं कि हम जो असबाब से डरते हैं, असबाब इख्तियार करने का हमको हुक्म दिया गया है, लेकिन ये समझें कि आप असबाब के बगैर हमारे पास, हम असबाब का मुआजना शुरू कर दें और उसका कंपैरिजन शुरू कर दें कि उनके पास अगर 40 ऊंट है तो हमारे पास भी 40 होना चाहिए, उनकी अगर अफवाज 10,000 हैं तो हमारी भी 10,000 से 11,000 होना चाहिए। हमारे मुसलमान आजकल के जो मादी तौर पर तालीम हासिल करने लगे हैं और जो वो लोग जो कुरान और हदीस और दीन की रूह से नावाकिफ हैं, उनकी तरबियत में रहकर जो जहन और मिजाज बनता है, उस मिजाज की रोशनी में जब वो किसी मसले को समझने के की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसी पस मंजर में समझेंगे, कुरान और हदीस की पस मंजर में तो नहीं समझेंगे। कुरान और हदीस के पस मंजर में समझने के लिए कुरान और हदीस की तरबियत चाहिए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मामलात किए ग़ज़वे खंदक में वो बहुत गौर करने की चीजें हैं। तो ये सब हो जाने के बाद अब असबाब के तहत ये बात हो गई कि हमारे मुसलमानों की तरफ से खंदक खोदी गई और तैयार बैठे थे और मुकाबला कर रहे थे, हालात बहुत नाजुक थे, अंदर का एक दुश्मन भी उसने अहद तोड़ दिया। अब देखें आप असल बात पे अब हम आ रहे हैं। इतनी तफसील बयान करने का मकसद जो था वो ये तीन जो मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था कि रुख कैसे पलटता है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत सारे दुआ लोगों ने भी उसको अलग से जिक्र किया है। तो सबसे पहली बात कि मैं मतलब वो वहां तक बात पहुंच गई है कि बनू कुरैज़ा के साथ ऐश शिकनी हो गई और 20 दिन से जायद गुजर चुके हैं और वो हमला भी एक छोटा हमला भी हो गया और फिर उसके बाद दिन भर की कोशिश भी जारी रही, और जाहिर सी बात है उनको बेचैनी होगी कि हम जिस मुहिम के लिए आए हैं उसको किसी नतीजे पर पहुंचाने के की कोशिश करें, रात दिन उसमें कोशिश जारी होगी, लेकिन उसमें उनकी हिम्मत भी धीरे धीरे टूट रही थी और सब कुछ हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीच में बहुत सारे मुनाफिकीन ने भी शरारतें की, किसी ने कहा कि हमारा घर खुला हुआ है हमें जाने दें वगैरह वगैरह, सब हालात बहुत सख्ती की तरफ लेकर जा रहे थे। लिहाजा इस बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये जो खौफ व हरास की कैफियत है, तीन चीजें हैं
जो इस पूरे जंग के रुख को पलट देने वाली तीन बातें खास हैं, बल्कि उसको आप तीन बातें खास हैं। पहली बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल इस खौफ हरास को दूर करने के लिए कुछ बताएं जो हम अल्लाह से दुआ, किन अल्फाज में हम अल्लाह से दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ करो अल्लाहुम्मा स्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना। ऐ अल्लाह, ये जो हमारे हमारे हालात की और हमारे राज की पर्दादारी फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी औरात है यानी हम घर के बाहर यहाँ हैं और हमारे घर वहाँ बगैर किसी की देखभाल के वहाँ हैं, और फिर हमारा जो अंदर का राज है या अल्लाह उसको जाहिर ना होने पाए, तो ऐ अल्लाह हमारे राज की हिफाजत फरमा, पर्दादारी फरमा। वह आमिन वातीना, और ये जो खौफ और हरास की कैफियत है, ऐ अल्लाह हम इस हालत में तुझसे अमन की दुआ मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें हमारे घबराहट को दूर फरमा और हमारे इस खौफ और हरास को दूर फरमा। ये एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा मुंजिल अल किताब, ऐ किताब के उतारने वाले, सरी अल हिसाब, ऐ हिसाब को जल्द हिसाब करने वाली जात, एहजिम अल अहजाब, ऐ अल्लाह इन तमाम अफवाज को ऐ अल्लाह शिकस्त का मुंह दिखा, अल्लाहुम्मा अहजिम हुम वज़लज़िल हुम, ऐ अल्लाह उनको शिकस्त के धाने पर पहुंचा, वज़लज़िल हुम, ऐ अल्लाह उनको अंदर से तू हिला दे, और ऐ अल्लाह तू अंदर से उनको तू ऐ अल्लाह मचोड़ दे, अल्लाहुम्मा अहज़ुरहुम वंसुरना अलैहिम, ऐ अल्लाह उनको शिकस्त के धाने पर पहुंचा और ऐ अल्लाह हमारी उनके खिलाफ मदद फरमा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। ये दुआ फरमाने के साथ देखें आप क्या क्या सूरत हाल हो रही। एक तो ये दुआ, और इसके बाद एक बंदे का अल्लाह को, अल्लाह ने इस बंदे को इस्तेमाल फरमाया। कल ही हमारी किसी साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए दुनिया इस वक्त क्या क्या साजिशें कर रही है मुसलमानों को मिटाने के लिए। एक तो उनका प्रोजेक्ट ही नाकाम नाकारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, ये अपने कितना उनका नाकारा जिंदगी, जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। तो खसरत दुनिया वाला आखिरा, उनकी तो दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। दुनिया यूं बर्बाद हो रही है कि अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, क्या क्या सब कितने गलत तरीकों से पैसे को कमा रहे हैं, और उसके बाद नुकसान, दुनिया का नुकसान और आखिरत का नुकसान, ये कि आखिरत में कुछ हाथ नहीं आने वाला। खसरत दुनिया वाला आखिर ज़ालिका हुवल खुसरान अल मुबीन। तो तीसरा दूसरा मामला जो उसके बाद हुआ, अल्लाह ने अपने अपने दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह बहुत बड़े असबाब को दुनिया के मुताबिक इस्तेमाल नहीं फरमाते हैं, ताकि दुनिया ये एहसान न जताए, और दुनिया हालांकि सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है लेकिन इंसान बात पलट देता है, लिहाजा अल्लाह की हिकमतें अजीब होती हैं। तो उसमें से एक अजीब व गरीब वाकया जो वाकई बहुत अजीब व गरीब है, और जिसने अजीब उस सूरत हाल को में अजीब उस वाकये का और उस चाल का, यानी उस फौजी चाल का एक अजीब असर और उसकी तासीर हुई, वो तासीर ये हुई कि देखें आप, हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह किस जरिए को हमारे लिए इस्तेमाल करेगा और क्या अल्लाह हमारे लिए सबक खड़ा करेगा, लिहाजा सबसे पहला काम है अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह के लिए सारा काम करो, ना मुल्क के लिए और ना अपने नाम के लिए और ना अपनी दुनिया की जिंदगी के लिए, जो कुछ करना है सब अल्लाह के लिए करो। अल्लाह किसको सबब बनाएगा नहीं जान सकता इंसान। अब देखिए यहाँ पर इस गज़वे खंदक में मैं जब पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, मुझे इस वाकये ने और इस बात ने सब ज्यादा मुतासिर किया। कहते हैं रिवायतों में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा है नुआइम इब्न मसूद इब्न आमिर इब्न, वो पूरा उसका वो लिखा है, बनू गतफान का बंदा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इन्नी कद असलम, ए अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया। आए कहाँ हैं? मुत्तहदा फौज की तरफ से मदीने के खिलाफ लड़ने आए हैं बतौर फौजी, और उस वक्त तक मुसलमान नहीं है। ये 20 दिन का हिसार गुजरने के बाद, और ये बंदा मुसलमान होकर भी नहीं आया था, खंदक में फौजों में आने के बाद अल्लाह ने इसको देखिए उस उनके अपने खेमे में और उनके अपने क्या कहते हैं कि अपने फौज में होते हुए अल्लाह ने उसको उसके दिल में इस्लाम डाल दिया। देखें अल्लाह कहां से किसको उठाता है। अब ये जनाब मुसलमान हो गए और इन्होंने आके कहा कि वइन्न कौमी लम यअलमू बिइस्लामी, मेरे कबीले के लोगों को नहीं पता है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ।
फमुरनी बीमाशी, अब आप बताइए कि मैं मुझे कुछ क्या करना चाहिए, मुझे हुक्म दीजिए इस फौज के मामले में। अभी जो ये मुकाबला चल रहा है और ये जो जंग चल रही है, इस जंग में मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, मुझे आप बताइए। अच्छा, अरब थे, इनको पता है कि कोई कोई चाल चलना हो तो दुश्मन की तरफ इन यहां से कोई बंदा जाके कुछ काम कर सकता है, लेकिन अगर यहां से जाएगा तो लोग मार देंगे। अब मैं कर सकता हूं, चूंकि किसी को पता ही नहीं कि मैं उनका आदमी हूं, सबको तो ये पता है कि मैं इनका आदमी हूं। लिहाजा उन्होंने फरमाया फमुरनी बिमाशियत, आप मुझे हुक्म दीजिए, क्या आप जो चाहे हुक्म दें। तो अल्लाह के रसूल साहब फरमाया इन्नमा अंत फीना रजुलुन वाहिद, अब आप हमारे एक आदमी हैं, ठीक है, फखज़िल अन्ना इन इस्तताअ, तो आप उनको उनकी हिम्मत तोड़ने का काम करें, उनके जोर को कमजोर करने के लिए कोई हिकमत और कोई चाल इस्तेमाल करें, कोई चाल चलें, कोई तदबीर इख्तियार करें जिससे उनकी हिम्मत टूट जाए। फखत दिल, उनकी हिम्मत टूट जाए और वो बेबस हो जाए, अपने आप को उनसे बस वो समझे कि हमसे नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है। फाइनल हर्ब खुदा, इसलिए कि जंग में ऐसी बातें करना जंग धोखे का नाम है, यानी जंग में धोखा देकर चाल चली जाती है क्योंकि हमें दुश्मन के ऊपर वार करना है, तो जंग के अंदर ये सब जायज होती है क्योंकि जंगी चाल होती है, इसको धोखा नहीं कहा जाता है। तो नुआइब इब्ने मसूद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, ये खुद गए और ये चाल इन्होंने खुद तदबीर की। क्या की, गौर कीजिए, नुआइब इब्ने मसूद गए सबसे पहले बनू कुरैज़ा के पास, उनको मालूम है कि बनू कुरैज़ा ने अहद तोड़ दिया है और उधर से कुरैश और खितफान का आलम क्या है। ये गए जनाब, वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद ये बनु कुरैज़ा के पास गए, और बनु कुरैज़ा के पास ये हमेशा उनके साथ उनके पास आना जाना था, जाहिलियत के जमाने में रात में उनके साथ उठना बैठना करते थे। तो उन्होंने कहा या बनी कुरैज़ा कद अरफ्तु दियाकुम, ए बनु कुरैज़ा मैं आपसे कितना मोहब्बत करता हूँ वो तो आपको मालूम है ना, वह खास सतम माँ बहनी उबैनकुम, और मेरा और आपका मामला भी खास जो है वो आप जानते हैं, मेरा जो आपका खास मामला है वो भी आप जानते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम तो आपके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि कुरैश और गतफान तुम्हारी तरह नहीं है, देखें आप उनको अब यहां से उनकी तदबीर शुरू हो रही है, बनो कुरैजा से कह रहे हैं कि देखो कुरैश और गतफान का हाल तुम्हारी तरह नहीं है, क्या है फर्क और उनमें, अलबलदु बलदुकुम, आप तो मदीने के रहने वाले हो, आपका माल, आपके आलो औलाद, आपके आपका सब कुछ, आपका माल, आपकी आलो औलाद, आपकी बीवियां वगैरह सब कुछ आपकी यही है, आप यहां से हट के कहीं और जा नहीं सकते क्योंकि आपको तो मदीने में रहना है, मदीने के बाहर तो आपके पास जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और कुरैश और गतफान का हाल यह है कि कुरैश और गतफान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आए हैं और उनके साथियों के साथ, और तुमने उनका साथ दे दिया है, वो बलदुहुम वनिसाहुम, और उनके बीवी बच्चे, उनका सारा माल दौलत जो है वो तो सब वहां उनके मक्के में है, फलैसु कान तुम, लिहाजा आप दोनों की सिचुएशन सेफ नहीं है। गौर कीजिएगा, अगर उनको कुछ चांस मिला, हमला कर गए, फतह पा गए तो ठीक है, और अगर कुछ मामला उल्टा हो गया वो तो चले जाएंगे अपने शहर, अपने मियाँ बीवी, अपने बीवी बच्चों में चले जाएंगे, मदीना छोड़ आप यहाँ से चले जाएंगे, वो तो अपने बीवी बच्चों के पास चले जाएंगे, फंस जाओगे तुम रहोगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने के लोग, और तुमको मालूम है कि तुम मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम बाद में मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो तो जान बचा ले जाएंगे, तुम फंस जाओगे, लिहाजा तुमने कभी गौर किया है उनके साथ जो मुआहदा किया है, लिहाजा एक बात मेरा मेरी नसीहत सुन लो कि उनके साथ तुम जंग मत करना, ये गलती मत करना वरना तुम्हारा नुकसान है। फला तुकातिलु मअल कौम, हाँ अगर जंग करना है तो मैं तुम्हें एक हिकमत बताता हूँ कि चूंकि तुमने उनके साथ बात कर ली है तो मैं एक नसीहत ये करता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि उन कहना कि भाई तुम्हारे कुछ शुरफा, तुम्हारे कुछ बड़े लीडर्स वो हमारे पास जमानत के तौर पर और यरगमाल के तौर पर रखो, तब हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि अगर मान लो तुम शिकस्त खा गए तो तुम तो चले जाओगे, हम फंस जाएंगे, लिहाजा जब तक आप हमें अपने कुछ यरगमाल हमारे पास नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम आपके साथ जंग नहीं करने वाले। तो इन्होंने कहा हाँ यार ये राय तो तुमने बहुत जबरदस्त थी। नुआइब इब्ने मसूद की इस बात को सुन के उन्होंने कहा नहीं आपका आइडिया तो बहुत बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये उन्होंने कहा कि देखो आप अगर उनकी तरफ से कोई भी आए ना
तो फिर ये कम से कम उनके कुछ शराफा का यरगमाल और उनकी एक जमात तो मांगना जमानत के तौर पर। अब ये गए कुरैश के पास, उन्होंने कहा अबू सुफियान से और उनके साथ जो कुरैश के लोग थे उनसे कहा कि भाई मैं आप जानते हैं मेरे से आपके क्या ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, मैं तो गतफान का आदमी हूँ और हम आपकी कितनी मोहब्बत है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई है और मुझे एक खबर मिली है, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो खबर आपको पहुंचा दूं और मेरा मकसद सिर्फ आपकी हमदर्दी है, लिहाजा छुपा के रखना, ये बात बताना मत आप किसी को, कुरैश से कह रहे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हम छुपाएंगे, बताइए आप क्या हमारे, ऐसे मौके पर तो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी आदमी को किसी के ऊपर दिल चला जाता है। उन्होंने कहा देखो यहूद को अपनी अहद शिकने पर नदामत हो गई है और वो नादिम है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ मुआहदा तोड़ दिया है, उस अहद शिकने पर वो नादिम है, लिहाजा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा है कि भाई यानी कुरैजा की तरफ से ये इनको कह रहे हैं कुरैश वालों को कि बनू कुरैजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम भेजा है कि भाई हम अहद शिकने के ऊपर नादिम हैं और हमें बड़ी नदामत शर्मिंदगी है, लिहाजा हम आपको राजी करने के लिए काम ये कर सकते हैं कि बनू गतफान और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को हमने यरगमाल के तौर पर हम मंगवा रहे हैं, वो यरगमाल हम आपके हवाले कर देंगे, आप उन यरगमाल को कत्ल कर दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के साथ हम और आप मिलकर जंग करेंगे ताकि उनका काम तमाम हो जाए। लिहाजा नुएम कह रहे हैं किसको, हजरत अबू सुफियान को कह रहे हैं कि उधर ये बात चल रही है यानी बनू कुरैजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम भेजा है कि हम अहद शिकने पर नादिम हैं और हमने कुरैश के पास यरगमाल मांगे हैं, वो यरगमाल हम आपके हवाले कर देंगे, मुझे ये खबर मिली है कि उधर ये बात चल रही है, ये नुएम इब्ने मसूद ने कुरैश के लोगों से कहा। तो लिहाजा अन्ना कदिमना मासनो लिहाजा वगैरह वगैरह, तो फला तदफाउ इलैहिम मिनकुम रजुलन वाहिदन, तो एक बात याद रखना बनू कुरैजा की तरफ से अगर आपसे कोई एक आदमी भी यरगमाल के तौर पर मांगने आए तो आप एक आदमी भी उनके हवाले मत करना, क्योंकि वो बजाहिर तो ये कह रहे हैं कि हमें जमानत के तौर पर चाहिए लेकिन उनकी नीयत है खराब। फिर नुएम इब्न मसूद ने यही बातें गतफान अपने कबीले वालों से आके की, देखो भाई ऐसा ऐसा चल रहा है मामला, ये सब बात हो गई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है हम इस बात को छुपा के रखेंगे और हम एक आदमी भी बनू कुरैजा के हवाले नहीं करेंगे, हो गई बात। अब जनाब इत्तफाक देखें, उन्होंने ये सबके कान भर दिए, अब सनीचर का दिन था, शव्वाल का महीना है, इत्तफाक अल्लाह की मर्जी कि सनीचर के दिन अबू सुफियान ने उनके पास खबर भेजी बनू कुरैजा के पास चेक करने के लिए कि हम जो हमें खबर मिली है वो सही है कि नहीं, और वहां तो पहले से नुएम इब्ने मसूद काम करके कर चुके थे, इकरमा इब्ने जहल और कुरैश की एक जमात के साथ भेजा, उन्होंने कहा कि देखो इन्ना, उन्होंने बनू कुरैजा के पास जो मैसेज भेजा वो मैसेज मैं बता रहा हूँ, क्या मैसेज भेजा कि भाई हम यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया, यानी नुकसान का मतलब बहुत सारे जानवर हम काट पीट के खा रहे हैं और अब तो 30 दिन हो गए, जाहिर से बात है हमने कोई भी जंग की तैयारी के लिए हम 6 महीने के इरादे से तो नहीं आए थे, अब 10,000 का लश्कर है, जाहिर से बात है वो कितना खाना पीना लेकर आएगा साथ में, तो वो भी एक मसला है, लिहाजा बहुत नुकसान का मामला चल रहा है, लिहाजा अब एक काम करो, अब फाइनल काम करना है, हमको काम खत्म करना है, जंग की तैयारी करो यहां तक कि मोहम्मद का मामला खत्म करें और हम इस मामले से निपट करें और बात खत्म करें, चैप्टर क्लोज करें, लिहाजा फारसिलु इलैहिम, तो सब कुछ हो गया लिहाजा तैयारी करो, हमारा अब तो मुआहदा हो चुका है। तो जब ये मैसेज बनू कुरैजा का उनके पास पहुंचा तो बनू कुरैजा ने उसके रिप्लाई में क्या कहा, उसके रिप्लाई में कहा कि भाई इन्नल यौम यौम सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये कि टुडे इज सैटरडे, या आज सैटरडे है और आपको मालूम है कि हम आज के दिन कुछ काम नहीं करते हैं, पहली बात यहीं से उनका काम खराब हो रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि आज तो हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, आपको मालूम है कि हमारा सैटरडे में एक हमारे ऊपर एक अजाब आ चुका है जी हमारी एक हरकत की वजह से, लिहाजा उसके बाद से तो हम सैटरडे में बहुत एहतियात करते हैं, एक बात। दूसरी बात के हम आपके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि आप अपने कुछ लोगों को बतौर यरगमाल और जमानत के तौर पर हमारे हवाले करें, जो हमारे लिए हमारे पास जमानत के तौर पर भी होंगे, यहाँ तक कि हम लड़ेंगे फिर, क्योंकि हमें ये खदशा है कि अगर जंग का पासा उल्टा हो गया
तो आप तो यहां से निकल लोगे, अपने घर अपने बीवी बच्चों में मस्ती करोगे, फंस जाएंगे हम, और हम मोहम्मद के साथ नहीं लड़ पाएंगे, हमारे अंदर इतनी अब ताकत नहीं है क्योंकि हम एक ही कबीला बचा है बनू कुरैज़ा। फ़इन्ना लिहाज़ा ये सब जब कहा था वर्रजुल फ़ीज़ा, जब वो फलम्मा रजअत इलैहिम रुसुल, जब ये लोग वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद मैसेज लेकर वापस जब पहुंचे हैं, जो बनू कुरैज़ा का मैसेज लेकर, तो कुरैश और गतफान ने कहा था जो बात की थी वो बिल्कुल सच है, लिहाजा बनी कुरैज़ा के एक भी आदमी तुमको नहीं देने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है। मा युरीदुल क़ौम इल्ला अन तुक़ातिलू, ये लोग तुमसे तुम्हारे साथ लड़ने वाले नहीं है, वगैरह वगैरह, वो मैसेज की बात उनके बाद पक्की हो गई, मालूम पड़ गई। अब जनाब उन्होंने भेजा नहीं, जब बनू कुरैज़ा की तरफ से बनू कुरैज़ा को, अब इन्होंने जब ये खबर मिली कि कालत कुरैश, तो कुरैश और गतफान ने अब उनको जवाब भेजा, वल्लाह इन्नल्लज़ी हद्दसक नुआय बिन मसूद ने जो बात कही वो बिल्कुल सच है, लिहाजा अब दोबारा मैसेज भेजो बनू कुरैज़ा के पास कि हम एक आदमी भी हवा सुपुर्द करने वाले नहीं, हम एक आदमी भी यरगमाल के तौर पर या जमानत के तौर पर हम अपनी तरफ से भेजने वाले नहीं हैं। فَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ الْقِتَالَ, अगर आपको मोहम्मद के साथ हमारे साथ मिलकर मोहम्मद के खिलाफ लड़ना है तो आ जाओ लड़ो, और अगर नहीं तो क्या नहीं। अब देख लीजिए बनु कुरैज़ा को जब ये खबर पहुंची कि हम एक भी आदमी भेजने वाले नहीं है, तो बनु कुरैज़ा को भी मालूम पड़ गया कि नुआय इब्ने मसूद की बात हक थी, और कुरैश और गतफान को भी मालूम पड़ गया कि बनु कुरैज़ा की बात सच थी, लिहाजा अब ये मसले में लेकर इन दोनों में फूट पड़ गई, और अब इनको मालूम पड़ गया कि बनू कुरैज़ा के साथ तो हम कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं कर सकते, और बनू कुरैज़ा ने कह लिया कि भाई कुरैश के साथ भी हमारी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। अब देखें बनू कुरैज़ा उधर से अहद तोड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अहद किया था वो तोड़ दिया, फिर हुयै इब्ने अख्तब और कुरैश के साथ जो अहद किया था वो तोड़ दिया, तो लिहाजा यहूद को अहद तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। और याद रखें जो कौमी तौर पर जो मुआहदे किए हैं उसको जब तोड़ेंगे तो फितरी बात है अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी बल्कि अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी। लिहाजा अब ये एक बात हो गई। अब मेरी बात यहाँ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को के पास अल्लाह ने ये एक बहुत बड़ा हथियार भेजा, लिहाजा ग़ज़वे खंदक के खात्मे में तीन बातें उमूमन जिक्र करते हैं उलमा, एक तो वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहज़ाब के खिलाफ की, दूसरा ये नुआय बिन मसूद वाला किस्सा, और तीसरा वो हवा फअरसलना अलैहिम रीहं वजुनूदन लम तरौहा। रिवायतों में जिक्र है, बहुत जिक्र है कि उस रात आखिरी रात जिस रात ये लोग यहाँ से रवाना हुए हैं, ऐसी तेज ठंडी तो पहले से बहुत थी, बहुत ठंड पड़ रही थी, हत्ता के ठंड का आलम यह था कि जो आखिरी रात है जिस रात ये लोग मदीने से निकले हैं, उस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि भाई कोई बंदा आए, मैं जरा वहां से खबर लेकर आए कि अभी उनकी क्या सिचुएशन बनी है, क्योंकि इसमें दिन दो दिन का गेम निकल गया। तो इस तरह करते करते तकरीबन तीन हफ्ते गुजर चुके थे, 27 दिन से ज्यादा का मुहासरा रहा, लिहाजा आप सल्लम ने किसी सहाबी से सहाबा से कहा कि आए कोई वहां से खबर लेकर आए, हजरत कोई नहीं तैयार हो रहा था, तो क्योंकि बहुत बातें थी, एक तो उधर लश्कर का खौफ भी था, दूसरा ठंड भी बहुत थी, तमाम सहाबा सर नीचे किए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान का नाम लेकर कहा कि आप जरा सर उठाएं और आप तशरीफ लाएं। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने फरमाया अब तो अल्लाह के रसूल ने जब नाम ले लिया तो करने का कोई चांस नहीं है, वो है ना सर तलबा में भी देखा होगा आपने कि किसी काम के लिए उस्ताद अगर कुछ कहना चाहे तो हर तालिबे इल्म बहुत शरीफ बन के बैठ जाता है। तो बहरहाल यहाँ तो सूरत हाल तालिबे इल्मों जैसी नहीं थी, ये तो सहाबा थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान इसार करने वाले थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हम आज जबानी तौर पर और किताबी शक्ल में ना समझ पाएंगे ना जबानी तौर पर बोल पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि सहाबा की जान इसार करने की और उनके कुर्बान करने की कुर्बान होने का जो मादा था वो दुनिया में किसी जमात में मिल नहीं पाएगा। लिहाजा सहाबा इकराम खुद उस अभी खुद वो महाज पर हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान का नाम लिया, उन्होंने कहा कि अब तो अल्लाह के रसूल का अन्य नाम ले लिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद दाअनी फलम यकुल लि बुद्द मिन जब अतो या हुज़ैफा फदखुल कौम फंजुर माज़ा यफ़अलू, ए हुज़ैफा इधर आओ और जाओ देख कर आओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या प्लान बनाए, यानी इस सूरत हाल में कि ये वाकया भी गुजर गया तो उनका प्लान क्या हो रहा है, और
आपको अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं कर रही है जब तक कि मेरे पास ना आ जाओ। तो कहते हैं मैं गया, बाद रवायतों में जिक्र है कि इतनी ठंड थी कि मेरी हालत खराब थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर और मुझे अपने पास रवाना किया है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हम्माम से गुजर रहा हूँ, यानी गर्म हम्माम में गर्मी होती है ना, तो उस ठंडक में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ गर्मी चल रही है। उस हालत में मैं वहां पहुंचा हूँ, और मैं वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा फज़हबतु फदखलतु फिल कौम, तो मैंने देखा कि वर्रीहु व जुनूदुल्लाहि तफ़अलु बिहिम मा तफ़अल, कि हवा और अल्लाह का लश्कर अपना काम जोरों पे कर रहा है, यानी हवा अपना काम जोरों पे कर रही है। ला तक़िरु लहुम क़िदरन वला नार, न तो वो आग जला पा रहे हैं और ना कोई हांडी अपनी जगह पे रुकी हुई है। हवा हांडियों को उड़ा रही है, खेमे उड़ रहे हैं, हवा चली जिसमें उनके खेमे उखड़ उखड़ रहे थे और जो उनकी हांडियां थी वो फुटबॉल की तरह क्या कहते हैं कि रोल कर रही थी। तो अबू सुफियान ने कहा कि या माशा कुरैश लियंजुर इमरु मिन जलीसी, कि देखो भाई अंधेरा बहुत है और हर बंदा अपने बगल वाले आदमी को चेक करता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कोई दुश्मन हमारे साथ है। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ा जो मेरे बगल में था, मैंने कहा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं फुलान इब्ने फुलान हूँ। तो अबू सुफियान ने कहा कि या माशाल्लाह कुरैश, ए लोगो कुरैश के लोगो, तुम बिल्कुल अभी महफूज नहीं हो, हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया और बनू कुरैजा ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, और जो कुछ तुम देख रहे हो हम लोग की हालत तुमको मालूम है, और ये हवा ने हमें और बर्बाद कर डाला है, एक ठंडी रुकने के लिए तैयार नहीं है, एक आग नहीं जला पा रहे हो आग क्या बोला, और हम हमारे हमारा खेमा अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, लिहाजा भाई निकलो। मैं तो निकला, फर तहिलू इन्नी मुर्तहिल, मैं तो निकला। सुम काम इला जमली, और अपने ऊंट के पास खड़े हुए गए और वो बंधा हुआ था उसके ऊपर बांधा, उसको उसके ऊंट पर बैठे हैं और उसको खोला है, एक सेकंड में ऊंट खड़ा हुआ और चलता बना। वलौला अहद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ अहद अगर न किया होता तो मैं अबू सुफियान पे वार तो कर देता। क्यों? कि मैं जब गया हूँ तो वो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी आग थी, उस आग के ऊपर से अपने कमर को सेक रहे थे और बिल्कुल मेरे लिए उनके ऊपर वार करना आसान था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझे याद आई। अब अंदाजा लगाएं कि जंग में सहाबा किस हद तक बात याद रखते थे, और हम तो अल्लाह माफ करे। बस वापस जब मैं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर में नमाज पढ़ रहे थे, ठंड की वजह से इतनी मेरी हालत खराब थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के अंदर नमाज पढ़ते वक्त मैं आके लेट गया, लेटने के बाद मुझे नींद आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशरूफ थे, उसी हालत में आपने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी और मैंने इतनी गर्मी महसूस की और मेरी सारी ठंडक दूर हो गई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को मैंने पूरी खबर बताई, और अगले दिन सुबह पूरा लश्कर पूरा मैं साफ हो चुका था और पूरे लोग वहां से रवाना हो चुके थे। अब अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए क्या क्या मददें आई। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुआ, और दूसरा एक बंदा जिसको हमने नहीं तैयार किया था, जिसको सहाबा ने नहीं तैयार किया था, अल्लाह ने दुश्मन के बीच में से एक बंदे को उठाया और उससे वो काम करवाया जो काम आसान नहीं था, बल्कि उसने पूरे जंग के रुख को पलट दिया और उसने बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत तोड़ दी। लिहाजा एक वो, और फिर अल्लाह ने हवा चला दी। एक एक रिवायत में, रिवायत में बहुत जिक्र है, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि हमारी तरफ हवा का पता भी नहीं और उनकी तरफ खंदक के उस पार गया हूं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्ही लोगों के लिए हवा चल रही। ऐसा होता है ना, अल्लाह का निजाम है। लिहाजा अल्लाह जब अपने बंदों को जब फतह देना चाहता है तो आज हमारे जो बहुत ज्यादा लोग जो 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 दीन का मुताला करते हैं और जो पढ़ते हैं उनके लिए मशवरा ये है कि वो उनके लिए मशवरा ये है कि वो दीन के उनवान पर कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं तो उसको उस रूह के साथ जानने समझने की कोशिश करें। तो कहने की बात ये थी कि आज भी हमारे लोग क्या चीजें तलाश कर रहे हैं,
हमारे पास बस खुदा ना खास्ता, मैं बार बार कहता हूँ तो शायद साथियों को खराब ना लगे, वही हमारे उन्होंने न्यूक्लियर बना लिया, वो चांद पे जा रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं, तो वो चांद पे जाके कौन सा बड़ा कमाल कर रहे हैं, हम तो जमीन पे रह के कायनात का काम कर रहे हैं। वो चांद पे जाके फ्रॉड कर रहे हैं, वो चांद पे गए भी कि नहीं गए अल्लाह जाने, और हम जनाब बहुत कलमा पढ़ रहे हैं कि वो चांद पे जा रहे हैं। जो करने का काम है वो करें, दुनिया में सरबलंदी और दुनिया में गलबा और अल्लाह की तरफ से काम फतह फतह कैसे की तरफ का फैसला कैसे होता है वो ये वाकयात पढ़ने से मालूम होता है। आज भी हमारे लिए हमारा रास्ता हमारे दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम में है। इसका मतलब ये नहीं कि 1400 साल पुराने तरीके पर आप अपना बेड बनाएं, 1400 साल पुराने तरीके पर आप अपना कपड़ा सिलवाएं, 1400 साल पुराने तरीके का ढूंढ के दस्तरखान लाएं, 1400 साल पुराने टाइप का आप गिलास ढूंढ के लाएं, ये मतलब नहीं है। वो तरीका, वो निजाम, उस निजाम को उसको को आम करने की कोशिश करें। हम अगर कपड़ा पहनेंगे तो सिलाई का तर्ज तो आज का होगा, लेकिन इसका पैसा जो है वो 1400 साल पुराने तरीके पे जो कमाने का हुक्म दिया गया, वो जहनीत, मिजाज, आखिरत और दुनिया के ताल्लुक से जो जहनीत है वो वही 1400 साल पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके गए हैं वो है। हमारी बातें, हमारी सोच, हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान और हमारा तबसरा और हमारे तवक्कुआत, हमारी आरजुएं, हमारी तमन्नाएं, ये सब कुछ 1400 साल पुराने के एतबार से रहेंगी। लिहाजा आज हमारे मुसलमान बहुत सारे अक्सर साथी बात करेंगे, अरे जनाब क्या क्या मुकाबला और क्या मुआजना करेंगे, उनकी फौजी ताकत ऐसी है, उनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं। अल्लाह के अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारी तमाम परेशानियों की वजह यही है, ये असबाब, इन असबाब ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। लिहाजा असबाब जितना हमारे बस में था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया कि खंदक में 10,000 के मुकाबले के लिए जो करने का था हमारे बस में वो सब हमने किया। खंदक में बदन की मेहनत के साथ खंदक खोदनी थी, एक वो मेहनत लगी और सहाबा सब के सब उस खंदक के किनारे आके इकट्ठा हो गए। अब बताएं इसके आगे कौन सी फौज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर से, बल्कि बीच में एक छोटा सा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी तरफ से जंगी हिकमत के इरादे से सहाबा के ऊपर आसानी की पैदा करने की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा करना चाहा कि एक तिहाई खजूरों पर मामला हो जाए, हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने वो भी ये कहकर कि अगर वही नहीं है, आप सिर्फ हमारी रियायत में कर रहे हैं तो आप हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हम उनको खजूर नहीं देंगे, वो भी टल गया। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस जंग में हम एक एक पहलू पर गौर करें कि इतने तमाम मुत्तहिदा अफवाज की शिकस्त का अल्लाह ताला ने कैसे रास्ता लगाया। अल्लाह ताला हमें सही समझ और फहम नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।